क्रम का महत्व है हिंदी मीडियम में, इस टाइप के आंकड़ों में केवल क्रम का महत्व है, ना कि अंतर का। सभी ने लिख लिया, इस टाइप के आंकड़ों में केवल क्रम का महत्व है, ना कि अंतर का। अब इस स्टेटमेंट को समझिएगा, क्वेश्चन इस टाइप से पेपर वन में आया था, पीछे ध्यान से सुनना। इन व्हिच टाइप ऑफ डेटा डिफरेंस नेवर मैटर बट ऑर्डर्स मैटर, मतलब जहां पे ऑर्डर तो मैटर करेगा बट क्या मैटर नहीं करेगा, डिफरेंस अंतर, तो उसका आंसर है ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल कैसे इसका बेस्ट आंसर, आप उसको समझिए, इन केस अगर रीजन असर्शन में आ जाए तो। इसीलिए लॉजिक का मीनिंग समझिए कि क्यों ऑर्डर मैटर करता है बट डिफरेंस मैटर नहीं करता। आपको मैं दो एग्जांपल से इसको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। लेट्स इमेजिन एक क्लास में किसी का टेस्ट कंडक्ट किया गया और फिर बाद में सभी सब्जेक्ट्स के मिला के उसके परसेंटेज को कैलकुलेट किया गया। किसी का परसेंट आया 98%, उसके बाद 97%, उसके नियरेस्ट कोई भी स्टूडेंट का नंबर नहीं आया, देन बाद में आया 70%। तो क्लास में फर्स्ट कौन है, सेकंड और थर्ड? फर्स्ट और सेकंड में कितने का डिफरेंस है? डजंट मैटर। और सेकंड और थर्ड में ज्यादा का डिफरेंस है? कोई लेना देना नहीं है। बेशक पहले और दूसरे में परसेंटेज वन का डिफरेंस है और सेकेंड और थर्ड में और फर्स्ट और थर्ड में बहुत ज्यादा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जिसके अंदर केवल 1111% का अंतर आएगा तभी उसको हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड काउंट करेंगे। डिफरेंस मैटर या जो डिफरेंस है अंतर है, उसका कोई भी औचित्य या कोई भी लॉजिक या कोई भी मीनिंग नहीं है, उसको आप किसके अंदर काउंट करोगे, ऑर्डिनल। अब फर्स्ट वाला ये बोले मेरे 98 आए हैं, ठीक है, सेकेंड ने बोला 97%, थर्ड स्टूडेंट ने केवल ये बोला मैं थर्ड आई हूँ या थर्ड आया हूँ, अपना नंबर नहीं बताया, तो आपके माइंड में क्या जाएगा, 97 के नियरेस्ट 95 90, वो इतना डिफरेंस नहीं सोचेगा कि उसके कितने नंबर आए होंगे, बट वो झूठ नहीं है, उसका थर्ड ही रैंक है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड के बीच में अंतर कितना आ गया, ज्यादा। तो जहां पे डिफरेंस मैटर नहीं कर रहा उसको आप क्या कहोगे, ऑर्डिनल। दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए ये प्लेग्राउंड है जहां पे रेस कंडक्ट कराई जा रही है, दिस इज द एंड पॉइंट, यहां पे उनको भागकर यहां पे रेस जो रन है वो फिनिश होगी। एक स्टूडेंट है यहां पे है, दूसरा स्टूडेंट है यहां पे है और फिर तीसरा स्टूडेंट इस पोजीशन में है, तो जो रनिंग है उसमें फर्स्ट कौन आएगा, ए, सेकंड ये, थर्ड ये। ए और बी में अंतर कितना है, बहुत कम, कोई लेना देना नहीं है, ये फर्स्ट ही आएगा। इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे 3D बोर्ड नहीं है कि वो फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट कौन आएगा, ए, सेकंड कौन आएगा, बी। अब हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ए और बी में अंतर कम है तो बी और सी में भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम, तभी उसको थर्ड माना जाएगा,